आज मैं आपको प्रभु यीशु के पालक पिता संत योसेफ के बारे में बताऊंगा। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हर साल 19 मार्च को संपूर्ण कलीसिया माता मरियम के वर संत योसेफ का पर्व मनाती है। उनके बारे में अधिक जानकारी हमें पवित्र बाइबल से ही प्राप्त होती है। हम मत्ती के अध्याय 1 पद संख्या 1 से 16 में वंशावली में पाते हैं कि संत यूसुफ याकूब की संतान थी। मत्ती अध्याय 1 पद संख्या 18 से 25 में हम पाते हैं कि माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हो गई थी, परंतु माता मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती थी। यूसुफ चुपके से माता मरियम का परित्याग करना चाह रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और माता मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देता है और उनसे कहता है कि वह माता मरियम को अपने घर लाने से न डरे, क्योंकि जो उनके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। और यूसुफ नींद से जाग जाता है। स्वर्गदूत के कथना अनुसार वह माता मरियम को अपने घर ले आता है। जब बालक यीशु का जन्म होता है, तब यूसुफ उसका नाम ईसा रखते हैं। स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा था कि वे माता मरियम और बालक यीशु को मिस्र देश लेकर चले जाए, क्योंकि हेरोद उन्हें मार डालना चाहता है। यूसुफ उठता है और माता मरियम और बालक यीशु को लेकर मिस्र देश की ओर रवाना होता है। मत्ती अध्याय 2 पद संख्या 19 से 23 में हम पाते हैं कि प्रभु का दूत स्वप्न में संत यूसुफ को दिखाई देता है और उनसे कहता है कि माता मरियम और बालक यीशु को वे मिस्र देश से लेकर वापस इसराइल चले जाए। और वे स्वर्गदूत के कथना अनुसार उन्हें लेकर इसराइल चले जाते हैं और वहाँ पर नाजरेत नामक नगर में रहने का निर्णय करते हैं। मत्ती अध्याय 2 पद संख्या 51 में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु ने माता मरियम एवं यूसुफ के अधीन रहकर अपनी बाल्य एवं किशोर अवस्था बिताई। लुकस अध्याय 2 पद संख्या 24 में हम पाते हैं कि जब बालक यीशु को माता मरियम और संत यूसुफ मंदिर में चढ़ाने जाते हैं, तो वे पंडुकों का एक जोड़ा या कपूत का एक जोड़ा अर्पित करना उन्हें अनिवार्य होता है। तो वे कपूत का एक जोड़ा मंदिर में चढ़ाते हैं। इससे यह पता चलता है कि वे गरीब थे और अपना चढ़ावा ईश्वर को समर्पित करते हैं। मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 55 में हम पाते हैं जब प्रभु यीशु अपने नगर नाजरेत आते हैं, तब लोग आपस में चर्चा करते हैं और कहते हैं, क्या यह एक बड़े का पुत्र नहीं है? इससे यह पता चलता है कि संत यूसुफ एक बड़े थे। लुकस अध्याय 4 पद संख्या 22 में भी हम पाते हैं, वहाँ पर लिखा है, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं है? इससे यह पता चलता है कि प्रभु यीशु के पालक पिता संत यूसुफ थे। संत यूसुफ के मृत्यु के बारे में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। सभी इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है। संत यूसुफ विशेष रूप से सभी श्रमिकों के संरक्षक संत हैं और उनके नाम से कई संस्था है, कई स्कूल है, कई विद्यालय हैं, कई महाविद्यालय हैं। आइए आज हम उन सभी के लिए प्रार्थना करें। प्रभु के प्रेम में वे सभी आगे बढ़ते जाएं। और जिस प्रकार से संत योसेफ एक धर्मी व्यक्ति थे, उन्हीं के समान सभी अपना जीवन धर्मी बनकर व्यतीत करें।